गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। शाम के बज गए हैं 5। मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि शाम के समय में भी झाड़ू लगाना पड़ता है। बच्चे खेलते हैं तो घर गंदा कर देते हैं, तो झाड़ू लगाना पड़ता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं इंडक्शन पर पानी बॉयल करने के लिए रखूंगी, क्योंकि पीने के लिए पानी मैं बॉयल करती हूँ। पानी बॉयल होने के बाद मैं आलू बॉयल करने के लिए कुकर में रख दी हूँ इंडक्शन पे, क्योंकि मैं रात के खाने में आलू परेठा बनाऊंगी। मेरे बेटे को आलू का परेठा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो बोल रहा था, मम्मी आलू का परेठा बनाइए। तो आज मैं रात के खाने में आलू का परेठा बनाऊंगी। यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा गूँथने से पहले मैं उसमें ऑयल थोड़ा डाल देती हूँ जब आलू का परेठा बनाती हूँ, क्योंकि ऑयल डालने से जब हम लोग उसमें आलू को भर कर बनाते हैं तो अच्छे से बनता है, उसमें से आलू बाहर नहीं निकलता है ऑयल डालने से। अब मैं आटे को अच्छे से गूँथ लूँगी और उसके बाद थोड़ा उसको फूलने के लिए रख दूँगी। अब मैं आटा गूँथ चुकी हूँ और मेरा आलू भी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी, पानी, ठंडा पानी डाल के। इसके बाद मैं इसके छिलके उतारूँगी, क्योंकि छिलके उतारने के बाद ही इसको मैं अच्छे से उसको मसलूँगी। आलू के छिलके मैं उतार चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई रख दूँगी, वो कढ़ाई मेरा गरम हो रहा है। मैं उसमें तेल डाल रही हूँ, क्योंकि आलू को मैं मसलने के बाद उसमें उसको थोड़ा सा भूनती भी हूँ। उसमें मैं पहले पचफोड़न का तड़का लगाती हूँ, पचफोड़न मैं डाल रही हूँ। पचफोड़न से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद मैं डालूंगी लहसुन, मिर्चा और अचार वाला जो मिर्चा होता है उसको भी मैं पीस के रख ली हूँ। पंचफोड़न मेरा अच्छे से भुना गया है। अब मैं उसमें जो पीस कर रखी थी उसको मैं उसमें डाल दूंगी। देखिए मेरा गैस ख़त्म हो रहा है, अब मैं चूल्हे पे जाऊंगी बनाने। ऐसे समय पे गैस ख़त्म हो जाता है कि इस समय तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि शाम का वक्त हुआ है, तो शाम के वक्त यहाँ पे गैस नहीं मिलता है। सुबह में ही 10 बजे के बाद ही गांव में गैस मिलता है। लहसुन मिर्चा भी जो मैं पीस कर रखी थी वो भी अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी जो मैं मसल के रखी थी, और सभी मसालों को भी मैं डाल लूँगी। मसाले डालना मैं नहीं दिखा पाई यहाँ पर। मैं यहाँ पर मसाले में धनिया पाउडर और गरम मसाला जो मैं पीस कर सूखा पीस कर रखी रहती हूँ उसको भी मैं यहाँ पे डाली हूँ। नमक डाली हूँ, हल्दी। अब ये अच्छे से भुना गया है आलू मेरा। अब मैं इसको किसी कटोरे में इसको निकाल के मैं रख लूँगी।
अब मैं परेठे के ऊपर तेल लगाने के लिए कटोरी में तेल को निकाल लूँगी। ये सरसों का तेल है। अब मैं उसमें गिलास को रख दी हूँ, क्योंकि गिलास से ही मैं कोई भी परेठा बनाती हूँ तो उस पे तेल लगाती हूँ, क्योंकि इससे आसानी से लग जाता है, तेल लगाने में आसानी होती है। देखिए, ये थोड़ा सा भी इसमें का आलू बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं इसमें आटा गूंथते समय थोड़ा तेल डाल दी थी। ये अच्छे से बन गया है। यहाँ पर पावर चला गया है, इसीलिए इतना अंधेरा दिख रहा है। गांव में तो ऐसे ही पावर आता है जाता है, कोई भी इसका समय नहीं रहता है। कभी कभी तो एक एक दो दो घंटे तक पावर नहीं रहता है। मैं इधर परेठे बना भी रही हूँ और अपनी बेटी को दे दी हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये मांग रही थी खाने के लिए। दिन में तो जल्दी खाती नहीं है, शाम को थोड़ा बहुत खा भी लेती है। अगर शाम को खाना बनाने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो ये बहुत जल्दी सो भी जाती है, और फिर सोने के बाद ये खाती नहीं है। कितना भी मैं इसको उठाती हूँ अगली पहिया फिसल गई थी। इसको पहुंचाने गए तो हाँ,
अच्छा हुआ राध्या को भाव भी नहीं लगा, पापा भी नहीं रोने राध्या लगा चाय बाद में। कैसी बनी? ओहो सो अच्छे से। तो फ्रेंड मैं पूरे परेठे बनाकर अब आराध्या को सुलाने आ गई हूँ। अभी हम लोग खाना नहीं खाए हैं, अभी पापा जी जब आ जाएंगे तब तो हम लोग खाना खाएंगे। अभी मैं आराध्या को सुलाऊंगी, सोगी ना? नहीं सोना है, पढ़ाई करोगी थोड़ा बहुत? क्या पढ़ोगी? संडे मंडे सुनाओगी? सुना दो। सामने वो स्पेलिंग सहित अच्छे से सुनाओ। क्या जनवरी फरवरी सुनाओगी क्या? जून पर से? AUG जून पर से क्या होता है? अच्छा जनवरी अच्छा JULY JULY सितंबर। सितंबर ओ सी टी अक्टूबर गलत यार, वो यार गलत पढ़ दे रहे हो कहना रहते हैं। अच्छा तुम पढ़ो हम तक, मच्छरदानी लगा देना, मच्छर काट रहे हैं रात यार। सितंबर लुसीला के लास्ट पक गिटी पीसल पाउंडी ना दिन इट स्टार लाइट स्टार ब्राइट फॉर स्टार आई सी टू नाइट एट द बीच आई बीच टू नाइट इन कल्टिंग कल स्टार अवर वंडर वटीवा अप एट द वर्स लाइक द मीन्स। बहुत मच्छर लग रहे हैं। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आराध्या सोगी ना, गुड नाइट बोल गुड दो। नाइट गुड नाइट गुड नाइट बाय बाय बोल दो। बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।